पाया जाता है, तो मैं एक सप्ताह के बाद अपने किसान संगठन के साथ अनवरत धरना पर बैठने के लिए धरने पर बैठेंगे जी। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा गया पत्र। बलिया विषाबाड़ एवं वर्षा की वजह से बर्बाद फसल का सर्वे करा करके बीमा कंपनी द्वारा किसान की बीमा राशि अतिशीघ्र दिलाने के संबंध में सदर तहसील के स्वाव ब्लॉक बसंतपुर सुरहाका क्षेत्र हल्दी बेलहरी बैरिया मुरली छपरा रसला सिकंदरपुर आदि क्षेत्रों में जल जमाव आज भी है। धान की फसल तो चौपट हो चुकी है, परंतु रबी की फसल की बुआई पानी निकास नहीं होने से प्रभावित हो रही है। मगही नदी व प्रवाह मछली मारने वालों से प्रभावित है। क्षेत्रवार वर्षा की स्थिति को गंभीर से लेते हुए बीमा कंपनी पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। बीमा कंपनी के द्वारा हर किसानों के साथ धोखा कर रही है, अतः अतिशीघ्र बीमा कंपनी पर अंकुश लगाया जाए जिससे कि किसानों को लाभ हो सके। पढ़ के बता दीजिएगा। दीपक कुमार सिंह, हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन जिला अध्यक्ष बलिया। आज कलेक्ट्रेट परिसर में आप आए हुए हैं, क्या बात है सबने दलबल के साथ? मैं अपने किसान भाइयों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय को एक पत्रक दिया, जिसमें बाढ़ की विभीषिका और बारिश के चलते जनपद के कोने कोने के किसानों का फसल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें प्रत्येक साल बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों का बीमा कराया जाता है, लेकिन हमारे ज़िले के किसान ठगी के शिकार हो जाते हैं। अभी तक बीमा का लाभ हमारे किसान भाइयों को नहीं मिला है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को एक पत्रक दे करके और उनसे निवेदन किया हूँ कि आप जो है कि जाँच करा करके सबको जो है कि अभी सर्वे कराया कि नहीं उन्होंने जिलाधिकारी का प्रशासन से कोई सर्वे हुआ है? अभी एक दिन जो है कि जिला कृषि अधिकारी महोदय का पेपर में गजट हुआ था कि रसला में 100 गांवों का सर्वे हुआ है, जिसमें 37 गांव चयनित हुए हैं और 37 गांवों में बीमा कंपनी आकर के सर्वे कर रही है और अन्य तहसीलों में अन्य क्षेत्रों में जो कि सुरहा है, गढ़ा है, बैरिया है, सिकंदरपुर है, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का उनका स्टेटमेंट नहीं था। इस संबंध में मैं पूरे जनपद के किसान भाइयों की बात को रखा है कि आप भौतिक सत्यापन करके और अगले सीजन की खेती भी बहुत जगहों पर किसानों का प्रभावित हो रहा है जहाँ पानी लगा हुआ है, उस संदर्भ में भी मैं जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया है। अच्छा, 25% करीब करीब मिलना चाहिए आप लोगों को, उसका अभी तक कोई लाभ नहीं मिला जी? नहीं, ये जब हम लोग राजस्व टीम के क्षेत्रीय लेखपाल से हम लोग बात रखते हैं, जब हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के बैंक के प्रबंधक महोदय से मिलते हैं तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप राजस्व विभाग के द्वारा आप लिखित लाइए। जब क्षेत्रीय लेखपाल से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जब तक उप जिलाधिकारी महोदय का कोई दिशा निर्देश नहीं आएगा मैं लिखित नहीं दूंगा। इसलिए केवल हम लोग किसान की सुविधा के नाम पर हम लोग को ठगा जा रहा है। अभी तक कुछ लाभ किसान को नहीं मिला आपके कहने का मतलब? जी है? जी, पिछले साल की फसल भी नष्ट हुई, पिछले साल की भी फसल ये फसल तो जो धान का हम लोगों का नष्ट हो ही गया है, आगे आने वाले रबी की खेती भी हम लोग समय से नहीं कर पाएंगे। हम लोग दोहरी मार झेल रहे हैं, न किसान सरकार के तरफ से कोई लाभ। हाँ, आप तो आप इस जिलाधिकारी बदिया को जो दिया है, आपने पत्र दिया है जी, अपनी मांग को रखते हुए जी, अगर वो कब तक का समय लिया है आपने? मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से एक सप्ताह का हमने अपना ये दिया है कि एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा टीम बना करके जनपद के प्रत्येक तहसीलों में सर्वे करा करके और किसानों की फसल क्षतिपूर्ति का अनुग्रह राशि अगर नहीं दिलवाया जाता है तो मैं एक सप्ताह के बाद अपने किसान संगठन के साथ अनवरत धरना पर बैठने के लिए धरने पर बैठेंगे जी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।